ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। अरे भाई बहने, क्या हुआ, क्या हुआ है? हम जहां भी बोलती हूँ ओम शांति, में कहते ओम शांति का आवाज ओम शांति भवन में चला जाए तो शांति धाम में जाएंगे। अभी ऐसा ओम शांति बोलो, ओम शांति भवन में बैठने वाले बोलो ओम शांति। अच्छा लगता है अभी ओम शांति भवन में बैठे हैं। ओम बैठे हैं ओम शांति भवन में, पर खुश हो रहे हैं बहुत, है ना? खुश हो रहे हैं ना? अभी खुशी में कुछ क्या बोलना होता है, नाचना ही होता है ना? खुशी में क्या होता है? खुशी में बोलने का जी नहीं चाहता, नाचना ही होता है। अभी शीलू बहन ने क्या बोला, मुझे अस सुनाई नहीं भरा, क्या करेंगे? नहीं सुना ही सकता, ऐसे थोड़ी कहेंगे। खुशी है, ठीक है, अच्छा। तो अभी मुझे क्या सुनाना है, मैं देखेंगे क्या सुनाती हूँ, मुझे पता नहीं क्या सुनाना है। ओम शांति भवन में क्या सुनाना है पता नहीं है। ये भवन ही ऐसा है, ओम शांति भवन ऐसा है, यहाँ का वायुमंडल ऐसा है, जिसको अशांति कभी भी आती हो ना, ओम शांति भवन में आ जावे, सदा के लिए चले जाएंगे। अशांति है तो थोड़ा दुख भी है, अगर अशांति है और दुख थोड़ा, कहेंगे इतना नहीं है, थोड़ा तो है, थोड़ा है, पर थोड़ा भी बहुत महसूस बड़ा होता है। संगम युग ऐसा है जहां सुख शांति की संपत्ति किसके पास है? बाबा के बच्चों पास है। एंटनी क्या समझता है? अभी एंटनी को तेरे को छोड़ेगी नहीं, मैं नहीं छोड़ेगी, देखना। अगर मेरी जैसे बाबा की नजर मेरे में पड़ी, मुझे छोड़ा नहीं है। एक ही बारी बाबा की नजर में पड़ी ना मेरे ऊपर, नजर पड़ी है तो मैं छोड़ा नहीं है, पर मैंने भी उसको छोड़ा नहीं है। ये नजरें आत्मा को, बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा ने मिलाया, किसकी नजरों ने? भगवान की नजर मेरे पर पड़ी, स्वयं परमात्मा बाप की नजर हमारे ऊपर पड़ी, और बिछड़ी हुई आत्मा को, भटकी हुई आत्मा को उसने अपने नजरों से मिला लिया। वो शांताकृत वगैरह क्या करेगा? अरे वो कैसा है? ये तो खेल है, चलो उसमें भी हम फायदा लेने वाले हैं। जो आज बाबा की मोली वंडरफुल सुनी, नया साल जब तक आए ना उसके पहले आज सुन ली, तो उस दिन बाबा क्या मोली चला वो तो पता नहीं कैसी होंगी। तो आज की मोली ऐसी थी, 16 साल पहले की मोली। 16 साल में हमने क्या किया है आज के मूली से पता चला हर एक को। 16 साल पहले मूली सुनी है, और 16 साल में मूलियां भी सुनी है, पर आज की मूली बताती है हमने क्या पुरुषार्थ किया है। आज फिर से क्या करेंगे क्या? वरदान में बाबा कह देता है, फिर
संकल्प है बीज, ऐसा पावरफुल हो उनसे वाइब्रेशन पावरफुल है। क्यों? डायरेक्ट बीज की संतान है हम, इसलिए ऐसा संकल्प जैसे मैंने मुरली पर के वरदान पढ़ा, वंडरफुल है। जैसी बाबा की मुरली है उसी अनुसार मेरी स्थिति रहे, पुराने को विदाई बस नवीनता की बधाइयां मैं नहीं देंगी, सब कहेंगे बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो, मुख से न कहे अनुभव से कहे। ऐसी स्थिति कैसे होंगी? दुनिया तो वाह वाह पीछे करेंगी, पहले थोड़ा टाइम लगा है, पर हम तो एक दो को देख करके इतना तो मैं समझती हूँ। तीन चार दिन में एक कल रात को ही संकल्प किया, आज हम कोम शांति भवन में मुरली आज पीछे पड़ी, क्यों यहां से अपनी पता चलता है मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं पर कैसी आत्मा हूं। जो भगवान कहे मेरी बच्ची है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, और दुनिया को पीछे दिखाई पड़े हम एक दो को तो कहें, तो मैं कुछ न बोलूं ऐसे मुस्कुराऊं आपसे, आप उसे मुस्कुराओ, क्या समझते हो? हम एक मैं आत्मा परमात्मा की, आप भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। सुबह को 9 बजे से लेकर के जो भी सामने आए, मुरली 12 बजे पर ही है, पर ये अनुभव होता रहा। और कुछ है ही नहीं ना, मैं कौन हूं किसकी हूं, ऑटोमेटिक मैं कौन हूं किस, मेरी बात समझो, कोई और जगह बुद्धि नहीं चलाना, मैं ऐसे भले करती हूं, क्यों ध्यान देकर सुन रहे हैं क्या कर रहे हैं? मैं कौन हूं किसकी हूं, अच्छा मैं तो चल हूं, ये सब किसके है, किसके है, पहले मैं उसकी हूं, ये किसके है, उसकी है, उसकी है। ये स्वाभाविक और संस्कार बन जाए हमारा। शिलू तू ध्यान दो, मैं ऐसे करूं ना, मुझे बताओ ना, मुझे बताओ, मैं कर देंगी। क्यों? शीलू को देखना पड़ता है और उसी को देखना पड़ता है बहन, शीलू को देखना पड़ता है और उसी को देखना पड़ता है, एक एक को देखना पड़ता है। क्यों देखना पड़ता है? क्यों? किसका ये है, किसका वो है, किसका चलन है, कोई भंडारे में बैठा है, जो भी सेवा कर रहा है, यज्ञ सेवा, यज्ञ का खाते हैं तो सेवा करेंगे, तो खाया तो भाग्य है यज्ञ का भोजन, शरीर छोड़ने तक में यज्ञ का भोजन खाऊं। जब कोई होते भाई ऐसा बीमार है, इतना है, कुछ खाया नहीं जाता है, कुछ ये ऐसा नहीं हो हमारा, अरे अंत मते यज्ञ का भोजन है, मुख में हो यज्ञ का भोजन। क्यों? यज्ञ सेवा करने वाले को तो बल मिला, फल मिला, पर उनसे जो मुझे भोजन मिला उसका रिटर्न मुझे भगवान को देना पड़ेगा। जिनका खाते हैं उनका गुण गाते हैं,
अगर मैं अपने जी बरसते मुझे ये मेरे लिए जरूर, मेरे लिए जरूर, खाओ। वो भगवान का गुण नहीं खाएगा। इसमें थोड़ी थोड़ी मेरे पास कहानियां है, मैं नाम बाम नहीं सुनाऊंगी, पुरानी कहानियां है, लेकिन उस कहानियों से भी बहुत अच्छा समझ मिली है। कोई आत्मा था, कोई था, भाई था, वो देख रहा था, उसके लड़कियां उसकी वाइफ बाबा की बन गई थी, तो उसको बहुत अंदर से बाबा के लिए गुस्सा था, अति गुस्सा था। मेरे घर की बच्चियां भी भाग गई, वाइफ भी भाग गई, और भी भाग रही है। वो गुस्सा कहां निकाले? कहा जाता है बाबा ने कहा कंस जरा सिंधी, पता नहीं सत्य उद्वात्रिता द्वापर में बता देते हैं, अरे सब कंस जरा संधी यही तो है। ओ कंस की कहानी, एक नाटक बनाया था यहां, अभी पहले पहले नाटक बनाते थे। और जहां देखा मुरली बज रही है, कंस को गुस्सा लग रहा है, ये कहां से मुरली का आवाज आ रहा है? समझा मुरली तोड़ के फेंकूं, मुरली को तोड़ने ताकत नहीं है। और शुरू से लेकर ऐसी कहानियां हुई, कौन सी मुरली बजा रहा है, क्या कर रहा है, जो पागल हो गई है सब। वो जो कराची में खेल थे, जयंती बहन कराची में है, बोली दादा कराची में है, बड़ा अच्छा चल रहा है, यानी आंखें खुल रही है। क्योंकि गुलजार दादी ने फिर जयंती को उसमें बोला, तो हमारा अलौकिक जन्म भी वहां, अलौकिक जन्म भी वहां है। समझा? सुनो डॉक्टर प्रताप, सुन, आपका भी हुआ होगा वहां जन्म, लौकिक जन्म भी वहां हुआ है, तो अलौकिक जन्म भी वहां ही हुआ है हमारा। तो नशा चढ़ गया जयंती को भी, और मुरली दादा को तो बहुत नशा चढ़ा है। क्यों? उनका लौकिक में भी बाबा के साथ लौकिक संबंध में काका था बाबा, और उसका बाल बाल ऐसे बनाया है जो उनको बाबा दिखाई पड़े। उम्र भी 90 तक आ गई है, पर अंदर से बाबा का जो प्यार मिला हुआ है ना, और को अनुभव हो रहा है। तो हमेशा देखो, मैं आत्मा हूं। तो बात अभी आती, वो जो गुस्सा आता ना उस भाई को इतना, फिर जब बॉम्बे में दीदी का ही रिलेशन था, तो दीदी तो उनके पास रहती थी, जब मैं उनके घर में ऐसे गई, यहां खाना नहीं खाना है, मैंने कहा दादा मैं खाना यहां नहीं खाएंगी, नहीं खाएंगी, गुस्सा लगा बहुत। मैंने कहा मैं तुम्हारा नहीं खाती हूं, विश्रांता तुम्हारा खाती, मैं नहीं खाती हूं, मैं तो भगवान का खाती हूं। बहुत उसने में इतनी टेस्ट ली, हमारी लोग की चार बहनों की शादी करके दिखाई, यहां से यज्ञ से जावे, मैं बाबा शादियों से छुड़ावे, वो शादी करावे, उनका भी बाबा ने उद्धार किया। बाबा से उम्र में छोटा था, लेकिन शरीर ऐसा हो गया था जब बाबा बॉम्बे में आया था। बाबा से, बाबा को पूछने के लिए तबियत के कारण आया बाबा के पास, बाबा ने उसको कुर्सी पर बिठाया, बाबा गद्दी पर बैठा था, पट्टर में बैठा था। उसको भी ऐसी दृष्टि थी, आखिर अंत मत उद्धार हो गया। तो हम अपने बाबा को देखें, जो बाबा ने कहा मान अपमान में, निंदा उस्तत में, असल बाबा का बनने से निंदा उस्तत में सम्मान, मना निंदा का कोई बात
उसमें मीठे बाबा ने कहा था बच्चे सदा ही समझना, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो, ये कभी बात भूलनी नहीं चाहिए। कोई मुझे खुश करने के लिए ऊपर ऊपर से बोलेगा, निंदा करेंगे तो समझते मैं राइट करता हूं। मैं मां खुश करने के लिए करेंगे, निंदा से मैं राइट करता हूं। ऐ राइट है, कोई जब कोई किसकी निंदा करता है समझते हैं मैं राइट हूं। मैं तुझे भाई मैं तेरे को छोड़ेंगी नहीं अभी ये भी अभी साथ में रहने का लग गया है ना, तो कुछ तो साथ में रहने का अनुभव करेंगे ना। समझो आपकी कोई निंदा करता है या एक दो में निंदा करते हैं, बाबा करने नहीं देता। इतनी हमको हम आत्माओं को सेवा में इतनी ऐसी स्थिति बनानी है जो किसी को निंदा करने की आदत से छुड़ा लेना है, कोई कर ना सके। जब हमारी स्थिति ऐसी होगी निंदा कोई उस तरह क्या बड़ी बात है, क्या मैं बाबा ने किया ना। अब कोई कहे मेरे सेवा कोई कदर नहीं है, इतनी सेवा करो कदर नहीं है, उसको भगवान क्या देगा, तो मनुष्य क्या देवे। जो अपनी विचारधाराएं हैं ना, अभी नया साल आने के पहले मेरे को तो मैं समझ लू 23 तारीख आई हूं, 3 दिन रही हूं ज्ञान सर, पर मेरी पूछो नहीं दिल की बात। ऐसी स्थिति बनानी है, अब बनानी है मेरे को तो मर के बनानी है, मरने तक बनानी है। मरना है तो उस स्थिति में मरना है, बाकी सब आप ही हो जाएगा, शिवा आप ही हो जाएंगे। हमारे ब्रह्मा बाबा ने अपनी स्थिति को मूली चला के सब बता के बाहर आया, चक्कर लगाया तो कमरे में चला गया। वो पावर अभी तक चल रही है, कभी परसों में पता नहीं याद परसों बोला या कभी बोला वहां ज्ञान सरोवर में, ये है चार धामों का भाई अनुभव करो। इसलिए पांडव भवन में कैसे भी करके अगर रह जाते हैं, चिपके चिपके रह जाते हैं, क्यों चार धामों का जब से बाबा ने बोला है कईयों को अनुभव अच्छे अच्छे अनुभव हुए हैं। और वहां मैंने कहा फिर चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेनी हो तो 1100 में रहो। शशि बहन क्या समझती हो, शशि 3 दिन में शशि बहन को नहीं देखा है, मैं बिजी है ना, मैं समझती हूँ बिजी है ना, कितना याद किया होगा। सेवा साथी है ना, पैसे मुस्कुराने का टाइम नहीं मिला है ना। मैंने पूछा यहाँ आती है, हाँ हाँ उसकी ऑफिस है ना वहां होती है ना। बहन हम एक दो को मुस्कुराने में टाइम होता है, तो कल रात को भी गुलजार दादी से बड़ी अच्छी अच्छी रुवरानी हुई, आज दिन में भी मुझे कहा दादी को साथ खाना खाओ, कल भी का खाना नहीं खा रहे तो दादी के साथ खाना खाना, चलो अनेक अच्छी बातें हो जाती है ना। अरे 5 मिनट में मिलेंगे अच्छी बात हो जाएंगे ना, अपन को भी टाइम देना, अपन के लिए तो सदा ही टाइम है, सदा ही टाइम है।
केयरफ्री है, केयरलेस नहीं है, केयरफ्री है। सेवा कराने वाला बाबा करा रहा है। अनेक आत्माएं, अनेक आत्माएं, कल दादी के पास खाना दिन में खा रही थी, देख रही थी कितना बगीचों को, कितना उनको यहां वहां हर एक संभाल रहा है। अभी यहां भी देखेंगे, जहां तहां कई बाबा के बच्चे। अब मैंने कैमरा अपना काम कर रही है, या ये बैठ के क्या करेगा, कैमरा पर यहां बैठना पड़ता है, ये अपना काम करता है, वो अपना काम करता है, तुम क्या करता है, हमको क्या करना है। सिंपल बात है ना, माइक अपना काम करता है, मुझे क्या करना है, माइक आवाज बड़ा कर देगा, मुझे क्या कर देगा, मैं माइक नहीं हूं, माइक सिर्फ आवाज करता है, मैं कौन हूं। लाइट और माइट, आज बहन अच्छी सखी हुई थी, मेरी सखी थी, कहा कभी कभी भारी क्यों होते हैं, ऐसे रू रान करने के समय भारी क्यों होते हैं। मैंने कहा सदा लाइट रह के माइट ले लो, माइट लेते लाइट रहो, कभी भारीपन नहीं आएगा। समझा मेरी बात, कौन समझ रहा है, हाथ उठाओ। लाइट बन करके माइट लो, माइट लेते लाइट रहो, भारीपन आएगा, आएगा। अभी जिसके पास सच बता भारीपन आता है, अभी हाथ उठाए समझा, पर भारीपन आता है, कौन ऐसे कन में हल्का हो जाता। क्यों एक भी जरा सा व्यर्थ आवाज कान में गया, भारीपन होगा। अंदर उसने सोच लिया, हल्का बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस बात को अंदर से, तो एक वरदान में बाबा ने बहुत अच्छा बोला है, कोई समझो कोई बात कर रहा है, तुम हां हां कर रहे हो तो भी गलती है। समझ रहे हो ना, समझो जो जरूरी बात, मेरे बात किसकी फलाना तुम्हारे से करता है, मैं हां किया, वो मेरा जो हां किया तो बाबा की मूली सुनते ऐसे से हां नहीं होगा, नहीं होगा, पहले वो मेरे से करता ही क्यों है। बाबा की मूली ऐसी अंदर से, एक बाबा दूसरी मूली, तीसरा बाबा का यज्ञ है और मेरा का यज्ञ सेवा है। यज्ञ में सेवा करो या यज्ञ सेवा कर रहा है, सार विश्व की कर रहा है। यज्ञ में जो वायुमंडल बनता है, सच्ची दिल से सेवा करने वाले, बाबा को याद करने वाले कहां बैठे हैं, यहीं बैठे हैं। सच्ची दिल से कंटिन्यू सेवा करने वाले, उनके दिल से पूछो कौन सी ताकत उनको चला रही है। भावना से मैंने किया या मुझे करना है, नहीं नहीं नहीं, भाग्य है सेवा, भाग्य है, भाग्यवान हूं जिस सेवा के लिए निमित्त है। कराने वाला बाबा है पर सबका संयोग है। डॉक्टर प्रताप ये बात ध्यान में रखो, ऑटोमेटिक सारे यज्ञ की सेवा हुई है सबके संयोग से।
किसी एक ने नहीं किया है, किसी एक ने नहीं किया है। मम्मा बाबा भी प्रैक्टिकल करके करने की प्रेरणा दी है। खुद मम्मा बाबा बाबा तो कहेगा शिव बाबा करा रहता है, मम्मा क्या कहेंगे, कराने वाला वो कांदा है। पर मुझे ऐसी स्थिति में रहना है। तभी मम्मा बनी। बाबा शिव बाबा इनसे करा रहा है, पर उसने कहा है तुम मेरी बच्ची बाबा सरस्वती बेटी है, लक्ष्मी नारायण की है, ब्रह्मा की बेटी है। पर ब्रह्मा के साथ वो जगदम्बा बन गई है बेटी। प्रैक्टिकली सब बच्चियां पैदा हुई थी उस टाइम में। कहानी वंडरफुल है। मैं 1.5 साल के बाद देखा था, पहले मम्मा को सभी को जानती थी, बांदेली होने का 1.5 साल। मुझे कहा क्वीन मदर ने कहा मम्मा से मिली, मैंने कहा मम्मा किसके लिए कहती है। मैं समझ जसोता माता जो बाबा की उसके लिए कहती होंगी, या बिरजेंद्रा की परिवर्तन शुक्र में था उसको त्याग करता हुआ मैंने देखा था। फिर मैं सबसे मिली, फिर भी क्वीन मदर आई, क्वीन मदर शील की माँ, दीदी की माँ। मैं कहती हूँ मम्मा से मिली, कहा ये मम्मा है अभी। मम्मा प्रैक्टिकली में हमारे लाइफ में मेरे से भी 4 साल छोटी थी। मैं मामा हो गई है अच्छा। फिर देखने लगी ये कैसे मामा हो गई है। तो बाबा ने फिर ड्रामा अनुसार यज्ञ में परीक्षाएं आई, बाबा तो हमारे साथ रह नहीं सका। कराची का 13 साल 14 साल बाबा क्लिफ्टन पर रहा पड़ा है, मम्मा कुंज भवन में बैठी है हम सबका संभालने के लिए। तभी कहा ये मम्मा वो बाबा, वो सूर्य वो चंद्रमा, हम है लकी स्टार। इतनी खुशी है, वो हमारा ज्ञान सूर्य है शिव बाबा, ज्ञान सागर भी है तो सूर्य भी है। है सागर भी है, चले जाओ अंदर, कोई किचरा आया पर बाबा सागर पर लेके जाता था कभी कभी, वैसे टाइम अनुसार नहीं, अचानक इसको पता भी नहीं चल रहा है बाबा के पास गए हैं, तो सागर के किनारे पर बैठ के कहेगा देखो कितना अच्छा है, कितना कोई फेंका एक ही लहर से बैर फेंक दिया, अंदर नहीं लेगा सागर, नदी में चला जाएगा, सागर नहीं ले सकता। तभी 2-3 दिन पहले बाबा ने कहा था नदी मैली हो सकती है, सागर नहीं हो सकता। हम किसके बच्चे हैं, ज्ञान सूर्य के भी है तो ज्ञान सागर के भी है। मेरा बाबा ज्ञान का सागर है तो अंदर चले जाओ, अंदर ऐसे चले जाओ असल जैसे गुम हो जाओ, तो क्या मिलेगा, मोती। लहरों में शीतल हो जाएंगे, फिर कोरिया भी अच्छी होती है। जो मैंने आपको बताया था मैं न्यूजीलैंड में पहली बारी गई थी, मुझे कोरियों का फ्रेम बहुत अच्छा दिया, उसमें मैंने बाबा का फोटो लगा के रखा था अपने पास, पता नहीं फिर किसको गिफ्ट दे दिया। अभी अभी कितना साल लगा रख दिया था कोजों का फ्रेम, इतना सुंदर फ्रेम, इतना कीमती फ्रेम,
कौड़े ऐसे फेंकेंगे नहीं, परंतु बाबा हमको कौड़ी से हीरा बना रहा है, कितनी वैल्यू बढ़ा रहा है। चलो कौड़ी भी अच्छी है, फिर भी मनुष्य आत्मा है, अच्छा वैल्यू बढ़ाओ अपनी। सागर के गहराई में जाने से, ज्ञान के गहराई में जाने से वैल्यू बढ़ती है। सूर्य और सागर, सूर्य ऊपर है, एकदम ऊपर है, सागर एकदम नीचे है। जब सागर पर जाओ ना, दूर पता नहीं आसमान और सागर इकट्ठा है। जैसे सागर के किनारे पर जाओ या खड़े रहो तो सागर दूर दूर देखा, इस सागर है या आसमान है, दोनों इकट्ठे दिखाई पड़ते हैं। तो सूर्य ऊंचे ते ऊंचा है, तो जितना बाप ऊंचे ते ऊंचा है, अगर उनसे मिलन मना ना हो तो इतना ही ज्ञान सागर के गहराई में जाओ, ऐसे नहीं ऊंचे से मिल सकेंगे। बीच में या न ऊपर वाले से मिल सकेंगे न अंदर जा सकेंगे। तो बीच जो है ना, चलो वैसे शांति मिली, किचरे की दुनिया से निकल आए, पर यहां आत्मा का निवास स्थान कहां? तो अभी जब याद में बैठने के लिए आई तो बाबा के बीच में शिव बाबा चमक रहा है या हमारे बाप दादा के बीच में स्टार चमक रही हूं? बोलो कमला, क्या मेरे को देखते रहते भाई? सोचो तो सही ना, बाबा के बिरकुटी में शिव बाबा देख रहे हैं, पर मेरे बिरकुटी में कौन दिखाई पड़ता है? बाप दादा बच्चा, ठीक है हाँ? अगर बाप दादा या है तो बच्चा कितना अच्छा लगता है, बाबा को अच्छा लगता है बच्चा, बच्चे को बाबा अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है ना। मैं बिठा, तो एक बार मैंने बाबा को कहा, बाबा शिव बाबा यहां बिठाऊं या ब्रह्मा बाबू यहां बिठाऊं या दोनों कथा बिठाऊं यहां? यही गुलजादा से मैं चिटचट करती हूं, आप में भी तो बाप दादा आता है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? वो तो शांत में रहती है, बाप दादा आता है सबको भाषणा दे के जाता है, मुझे सारा दिन भावना रखनी पड़ती है। वो भाषणा देता है मुझे भावना, आज भी दिन में बड़ी चिटचैट हुई है। मैंने कहा तो आप अभी भी इसको दृष्टि दो, फिर मैं कुछ बोलती हूं, मैं कहता दृष्टि दो, ये पक्की हो जाए बात। एक है भावना, दूसरी है भाषणा, नहीं तो बाबा भाषणा दिया तो सद्दां के लिए वो भावना काम करे, अपने पर भी काम करे। बाबा ने बड़ी अच्छी दृष्टि दी, आहा बहुत अच्छी दृष्टि दी, पर भावना रखो वो दृष्टि सद्दां काम करे। मेरे पर तो करे, पर निमित्त हमारे औरों पर भी करे, और कोई संगम पर काम तो है नहीं। चलाए मानी डोलाए मन से फिर, पर यह भी बात बुद्धि में आई, एक सेकंड अच्छी अच्छी बात आती है, बुद्धि स्थिर है, बुद्धि स्थिर है, मन शांत है। दिल पर के साथ है, दिल पर के साथ है, डोलायमानी चलायमानी से फ्री हो गई। हो सकता है ना, अगर ऐसे रिहर्सल करते रहें, बुद्धि को से स्थिर करना हो, कोई बात नहीं, बुद्धि को सिर्फ
बाबा ने अच्छा किया है, बुद्धि को इतनी अच्छी अच्छी बातें देता है जो बुद्धि में और कोई बात आती नहीं है ना। बुद्धि ही हमारे वैल्यू को कम करती है, बुद्धि ही हमारी वैल्यू को बढ़ाती है। कोई किसको गिराता विराता नहीं है। न कोई किसको चरा सकता है, न कोई गिरा सकता है। भैया यो अंक दिखाने के लिए मुझे ओम शांति बोलो बिठा रहा बड़ा क्या है। बुद्धि को टेरो रहा दादी आपको टोली भी खिलानी तो क्या अर्ज है। बाबा ने कहा गिफ्ट देनी है ना नए साल की, गिफ्ट देनी है ना, आप भी मुझे देंगे ना गिफ्ट। और ओम शांति भवन में ऐसी अच्छी गिफ्ट मिलती है ना। गिफ्ट का एक अंदर से बड़ा छा छिपा के बाबा ने रखा है गिफ्ट देने के। देता जाता है बढ़ता जाता है, देता जाता है बढ़ता जाता है। अच्छी स्थिति बनाने की गिफ्ट ले लो आज, ऐसी स्थिति हो जो आपको देखे माला माल हो जाए। तो मैं भक्ति में कहती थी तू दुख भंजन है मेरा भगवान, दुख भंजन है समझा, दुख भंजन है। भजन गाती थी दुख भंजन का, दुख को खत्म करने वाला है। तो मैं कौन हूं दुख करने वाली हूं या किसको दुख देने वाली हूं? पूछिए अपन मारो इस चमाट, औरों की चमार का दुख होता है, अपन को चमार मारो। मैं दुख देने वाली हूं या लेने वाली हूं? दुख भंजन की बच्ची हूं जो दुख हरता बाबा का है। ऐसे ऐसे अपने आप को बाबा के सामने आना ना, ऐसा चमकता हुआ स्टार बाबा को दिखाई पड़े। जो सारी दुनिया का भी मेरे पास बहुत अच्छी मिसाल है प्रैक्टिकल, आजकल के इस 10 दिन के भी कोई का मैंने सुनाया इतना नहीं है जितना अच्छा अनुभव है। इतने ज्ञान की वैल्यू उन लोगों को होती है, सुनाते हैं ना, सुनते सुनते उनकी आंखें कान खुलते जाते हैं। अब करना क्या है बदल जाते हैं, सारे जो पहले करते थे ना वो बदल जाते हैं। तो हमको इतना मिल रहा है तो हमारे में जो छोटी मोटी इतनी जरी सी बात है वो हमको ऊंचा बनने में, जैसे ऊंचा उठने में कान दर्द करता है या पीठ दर्द करता है, ऊंचा उठने में दर्द करता है। लास्ट बात सुनाती हूं, दादी गुलजार को बोला चिटचैट में बोला, पर मैं चिटचैट इसलिए करती हूं अंडरलाइन करने के लिए जो मैं आपको भी बता सकूं अच्छी तरह से। मैंने कहा दादी बाबा कहता है उड़ती कला का समय है, उड़ने का समय है। जब उड़ने का होता है जो उड़ता है वो दूसरों को कहता नहीं उड़ो, उनके वाइब्रेशन उनको उड़ा देते हैं। एक पंछी उड़ेगा दूसरा उसको बस ऑटोमेटिक उड़ता रहेगा, अभी टाल टाली फोड़ के उड़ेगा, पर कोई टाली को पकड़ के बैठा है नहीं उड़ सकेगा। किसी के बात पे देह का भी आधार नहीं लेना है। तो फिर मैंने दादी वो पंख कैसे आएंगे, कहा उमंग उमंग उत्साह है ना, फिर कभी उमंग उत्साह तो है ना, लेकिन लेकिन जब तक लेकिन है तो उड़ेगा कैसे। जो आपके स्लोगन में आज था बाबा को ना, कारण को निवारण में परिवर्तन करो, अगर ये जब तक नहीं करते फिर फाइनल निकला। सुन बहन बहन ये सुन पीछे उठो, ये फाइनल निकला शशि बहन काम का है, बहन मेरी बात सुन रहा है। तो एक बात फाइनल निकली,
ओ मंगू साहब भले पर लेकिन कभी नहीं बोलो, क्या करो याद सच्ची दिल से। इतना अच्छा लाइफ बना देंगे उस सेवाओं से जो दुआएं मिली है ना, वो शक्ति देती है। पंख उड़ने लगते हैं, अभी उड़ेंगे, मैं तो उड़ेंगे आपको, अब उड़ेंगे, मैं कहेंगी नहीं उड़ो, कहूं क्यों, कहने का टाइम पूरा हो गया, अभी आज पायलट किया, इनके बाद माइक दे लेगी, समझा, जरूरत तो नहीं होंगी वाइब्रेशन से ही। सेवा अनेकात में करने के लिए बैठी है, कर रही है, कर रही है, सिर्फ उनको वाइब्रेशन चाहिए उड़ने लिखे है, उड़ने की वाइब्रेशन चाहिए, ये हमारे ओम शांति भवन से उड़ने की वाइब्रेशन पहुंच जाए, इसलिए अमृत वेला भी यही होगा ना, यही होगा ना। थैंक यू, ओम शांति।